चलो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बिट रिगिंग और कल्यूजिव बिडिंग. व्हाट डू यू मीन बाय कल्यूजिव? बिडिंग टू गेदर. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, एग्जाम्पल पढ़ा था ऑक्शन का, बिडिंग का. क्या था एग्जाम्पल, क्या बांधना था अपने को? मेट्रो कंस्ट्रक्ट करना था. तो मेट्रो कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे 5 एंटिटीज के नाम बता दो. अदानी का बात किया था हम लोग ने, अदानी मेट्रो कंस्ट्रक्ट कर सकता है. फिर और किसका बात किया था? और चलो ठीक है, 4 ही ले लेते हैं. अदानी ने एक अमाउंट बता दो कितने पे कोट किया कि वो कितने में बना देगा मेट्रो. 900 करोड़ में बना देगा बोला था. एलएनटी कितने में बनाएगा बोला था? 1,000 ठीक है. सो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ये बिडिंग प्राइस देखेगा, क्वालिटी सब चेक करके, किसको प्रोजेक्ट मिलना चाहिए? क्योंकि टाटा सबसे कम प्राइस पे बिड किया है इसने, बराबर है, तो उसको मिलना चाहिए बिडिंग का, जो भी टेंडर है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, उसी को मिलना चाहिए. करेक्ट है. बट ये तब होगा ना जब बिडिंग फेयर हो, ये तब होगा जब बिडिंग फेयर हो. अगर ये लोग ने खुद को टेरिटरी वाइज सेग्रीगेट कर दिया, कल्यूजिव साथ में आए और बोला कि टेरिटरी वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सेग्रीगेट करें. अदानी को बोला कि तू पुणे का प्रोजेक्ट रख ले, एलएनटी को बोला कि तू नवी मुंबई का रख ले. ये लोग कौन डिसाइड करे आपस में? रिलायंस को क्या बोला? तू थाने का प्रोजेक्ट ले ले. और टाटा को बोला तू मुंबई का प्रोजेक्ट ले ले. बराबर है. अभी अगर मुझे बताओ, नवी मुंबई का टेंडर ओपन हुआ, गवर्नमेंट ने बोला नवी मुंबई में मेट्रो बनाना है, चलो बिडिंग करो, तो मुझे बताओ एलएनटी तो 1100 पे बिड करेगा, बाकी सब कितने पे बिड करेंगे? उससे ज्यादा पे बिड करेंगे. क्यों? क्योंकि दे हैव कल्यूसिवली डिसाइडेड कि नवी मुंबई का प्रोजेक्ट किस पे किसको मिलेगा, एलएनटी को. तो मुझे बताओ उससे दो नुकसान ही हुआ, एक तो बिडिंग फेयर नहीं है तो एंटी कॉम्पिटिटिव है, दूसरा गवर्नमेंट का भी नुकसान ही हुआ कि उसको जहां पे 800 करोड़ में प्रोजेक्ट हो जाता था, उसको अभी कितना देना पड़ेगा? उसका 1100 करोड़. तो जब एक कल्यूसिवली बिडिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिड रिगिंग बोलते हैं. क्या वो एंटी कॉम्पिटिटिव है? डेफिनेटली एंटी कॉम्पिटिटिव है. यहाँ पे तुम फेयर कॉम्पिटिशन आने ही नहीं दे रहे हो. प्लस और एक चीज हो सकता है, मालूम है, अगर कोई नया एंट्री आया, अगर कोई नया एंट्री आया, नाम लो किसी का. बिरला चलो बिरला, न्यू एंट्री आया. ठीक है, बिरला तो बड़ा नाम है, बट समझ लो कोई न्यू भी आया. ठीक है, सो इसको प्रोजेक्ट ना मिले, इसीलिए सब लोग एकदम कम बिड करेंगे, जस्ट बिकॉज नया कोई एंट्री आना नहीं चाहिए. फेयर कंपटीशन है क्या? नहीं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी कॉम्पिटिटिव थ्रू बिड रिगिंग. वेरी क्लियर? ठीक है, आ जाओ. बिडिंग एज अ प्रैक्टिस इज इंटेंडेड टू एनेबल द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट मतलब ऑब्टेनिंग. अच्छा, इस लाइन का मतलब बता दो, इस लाइन का मतलब बता दो. प्रोक्योरमेंट मतलब ऑब्टेनिंग. कंडीशंस ये बिडिंग होता है. बिडिंग इज अ प्रोसेस, इज अ प्रैक्टिस जहां पे गुड्स ऑब्टेन हो सकता है, सर्विसेज ऑब्टेन हो सकता है एट द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस. करेक्ट है. इनविटेशन ऑफ बिड्स इज रिसॉर्टेड टू बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट बॉडीज. बराबर है, गवर्नमेंट भी बिडिंग बुलाता है और प्राइवेट कंपनीज भी बिडिंग करवाते हैं. बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग द मोस्ट फेवरेबल प्राइसेस एंड कंडीशन में बी नेगेटेड. नेगेटेड मतलब हाँ, इग्नोर, नेगेटिव इफेक्ट होएगा उसका इफ द प्रोस्पेक्टिव बिडर्स कोल्यूड और एक्ट इन कंसर्ट. कोल्यूड और एक्ट इन कंसर्ट मतलब एक्ट टूगेदर. ये जो फेयरनेस है वो रहेगा ही नहीं अगर वो लोग साथ में मिलके क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं. बराबर है. सच कोल्यूसिव बिडिंग और बिड रिगिंग कॉन्ट्रावेंस द वेरी पर्पस ऑफ इनवाइटिंग टेंडर्स एंड इज इनहेरेंटली एंटी कॉम्पिटिटिव. जो पर्पस है टेंडर्स बुलाने का, वो इन्फ्रिंज ही हो जाएगा अगर वो लोग ने कल्यूड कर दिया. अभी दीज आर द
कल्यूसिव बिडिंग का वेज क्या है? अडॉप्टेड वेज ऑफ कल्यूसिव बिडिंग, जरा पढ़ोगे एक एक, मुझे बताने की कोशिश करो क्या है फर्स्ट वाला क्या? हाँ, नेगेटेड विल गिव अ नेगेटिव इफेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं, नेगेटेड, हाँ इग्नोर बोल सकते हैं, चलेगा। ये दो अलग पॉइंट्स हैं, इसको अलग कर दें। फर्स्ट वाला समझो क्या बोलते हैं। तो सब लोग 1,000 करोड़ पे बिड कर रहे हैं, तो अभी प्रोजेक्ट किसको मिलेगा? जो लकी है, समझ में आ रहा है, बट ये फेयर हुआ क्या? अभी आइडियली टाटा को मिलता कितने पे? 800 पे, बट सब लोग ने डिसाइड किया नहीं, हम 1,000 पे ही करेंगे सब लोग, तो सबका क्या हुआ? आइडेंटिकल बिड्स हुआ। अब लकी ड्रॉ, जिसको मिला उसको प्रोजेक्ट मिला, बट ये भी तो एंटी कॉम्पिटिटिव है, करेक्ट है, क्योंकि जहां पे कम पे हो सकता था, तुम लोग ने बिडिंग कितने पे किया? ज्यादा। गॉट द पॉइंट? सो अग्रीमेंट टू सबमिट आइडेंटिकल बिड्स, ये कल्यूजन से होता है। नेक्स्ट क्या बोला है? नहीं, वो तो नॉर्मल है, सबसे लोएस्ट बिड करेगा उसी को मिलना चाहिए, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आइडियली सबसे लोएस्ट वाले को ही मिलना चाहिए, दैट्स फेयर, बट यहाँ पे कुछ तो अलग बोला है। एग्जैक्टली, यहाँ पे डिसाइड करें कि हु शैल सबमिट द लोएस्ट बिड। सो अगर ये डिसाइड हुआ कि अदानी सबसे कम बिड करेगा, तो अदानी तो कितने पे करने वाला है? 900 पे। अब उसको लोएस्ट पे डालना है, तो बाकी सब क्या करेंगे? उसे ज्यादा पे बिड करेंगे। अगेन अनफेयर ना, जहां पे टाटा उसे कम पे करता था, बट अब किस पे करेगा? उससे ज्यादा पे करेगा। क्लियर? तो वो लोग ने मिलके क्या डिसाइड किया? कौन सबसे लो बिड करेगा, ये डिसाइड किया, तो फेयरनेस इंपैक्ट हुआ, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला? क्या बिट्स वो लोग सबमिट कर रहे हैं? मतलब वॉलेंटरीली सब लोग इन्फ्लेटेड बिट्स। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? तो वो लोग कौन सा बिड्स कर रहे हैं? हाई प्राइस बिडिंग कर रहे हैं, वॉलेंटरीली सब लोग डिसाइड करके। व्हाट द पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं करेंगे, सो एरिया वाइज हम एक दूसरे के खिलाफ बिड नहीं करेंगे। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट, वो लोग ने क्या बना लिया? कॉमन नॉर्म्स, मतलब रूल्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स, एक कॉमन रूल्स बना लिया कि हम लोग बिड्स का क्या टर्म्स डिसाइड करेंगे एंड कैसे प्राइस कैलकुलेट करेंगे, एंड सब लोग फिर अकॉर्डिंगली करेंगे। अग्रीमेंट टू आउटसाइड बिडर्स, कोई नया एंट्री आना नहीं चाहिए, उसको क्या करो? स्क्वीज आउट। क्लियर? नेक्स्ट, आर दे डिसाइडिंग बिड विनर्स रोटेशनल बेसिस पे, कि ये साल का बिड तू रख ले, दूसरे साल का मैं रखूंगा, तो रोटेशनल बेसिस पे वो लोग ने बिड विनर्स को क्या कर दिया? डेजिग्नेट कर दिया, बराबर है। और ऑन अ ज्योग्राफिकल और कस्टमर एलोकेशन, तो थाने का तू, नवी मुंबई का तू रख ले, ऐसे या तो ज्योग्राफिक वाइज उन्होंने बिड विनर्स को डेजिग्नेट कर दिया, या तो रोटेशनल वाइज कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो क्लियर। तो इस तरीके से होता है बिड को रिक करना, करेक्ट? ओके, अभी मुझे बताओ कि हम लोग डिसाइड करना है कि कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी कंपटीशन को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उसके कुछ फैक्टर्स होने चाहिए ना। हम फैक्टर्स देखेंगे और डिसाइड करेंगे भाई ये फैक्टर ये कंपटीशन को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? तो कौन डिसाइड करता है एक्चुअली कि पर्टिकुलर एक्टिविटी कंपटीशन को इंपैक्ट करेगा या नहीं? हु विल डिसाइड?
सीसीआई, क्योंकि वो अथॉरिटी है ना, आप और मैं बैठ के थोड़ी डिसाइड करेंगे, हु विल डिसाइड, कमीशन। बट कमीशन भी कैसे डिटरमाइन करेगा, कुछ फैक्टर्स चेक करके। अभी वो फैक्टर्स क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो फैक्टर्स क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर एन अग्रीमेंट हैज अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्स इफेक्ट? पहले बैड इफेक्ट, एडवर्स मतलब सम नेगेटिव इफेक्ट, अप्रिशिएबल मतलब ह्यूज। अरे छोटा मोटा इफेक्ट तो होता रहता है, बट बड़ा होगा तो फिर सीसीआई क्या करेगा, उसमें इंटरफियर करेगा। बराबर है, छोटा मोटा इफेक्ट तो होता ही रहता है। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया था छोटे मोटे इफेक्ट का, मैं छोटे मोटे इफेक्ट का बात कर रही हूँ। अभी छोटा मोटा इफेक्ट हुआ फिर भी सीसीआई आया क्या? क्या नहीं, तो बड़ा इफेक्ट होएगा तो ही सीसीआई आएगा ना। छोटा मोटा इफेक्ट का क्या एग्जांपल दिया था मैंने? ऐसे मुंबई का होके वड़ा पाव को भूल सकते हो यार? एक वड़ा पाव वाला था, उसके सामने दूसरा वड़ा पाव वाला खुला, कंपटीशन अफेक्ट हुआ। क्योंकि क्योंकि क्यों कंपटीशन इंपैक्ट होएगा एक वड़ा पाव वाले के सामने दूसरा वड़ा पाव खुला तो? वो पहले से चला रहा है, अभी राइवलरी के सिनेरियो में वो क्या करेगा, डिस्काउंट देगा, बाय वन गेट वन देगा, क्वालिटी इंप्रूव करेगा, वड़ा पाव बड़ा करेगा, कुछ भी करेगा, बट सामने वाले को वो खत्म करने का कोशिश करेगा ताकि उसके एरिया में कोई आना नहीं चाहिए। कंपटीशन तो खराब होता है ना, राइवलरी से कंपटीशन तो इम्पैक्ट होता है, बट ये छोटे स्केल पे है, छोटे स्केल पे होता है तो दिक्कत नहीं होता है, बट जब लार्जर स्केल पे होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। और सीसीआई कब आता है, जब होता है अप्रिशिएबल एडवर्स। वेरी क्लियर, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, सीसीआई क्या देखेगा, कौन सा फैक्टर, क्या क्या कोई ऐसा पर्सन है जो क्रिएट कर रहा है टू न्यू एंट्रेंस इन द मार्केट। अगर कोई ऐसा एंटरप्राइज है जो नए लोगों को मार्केट में आने नहीं दे रहा है तो वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है, कंपटीशन। करेक्ट, सेकंड बताओ। ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन आउट ऑफ द मार्केट, ऐसा हुआ था क्या? कोई सिनारियो याद आ रहा है जहां पे कोई आया और सब बाहर निकल गए? करेक्ट, कोई ऐसा एंटरप्राइज का एंट्री हुआ जहां पे बहुत सारी कंपनीज क्या हो गई, एग्जिट हो गई। राइट, नेक्स्ट फोरक्लोजर हो रहा है, किस चीज का, हिंडरिंग मतलब बैरियर्स, हिंडरिंग मतलब पुटिंग रेस्ट्रिक्शंस। क्या डाल रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, किस चीज का रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से कंपटीशन क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और कंपटीशन क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। बराबर है, तो तुम क्या कर रहे हो, एंटी कॉम्पिटिटिव का प्रैक्टिस कर रहे हो। नेक्स्ट, बेनिफिट्स बट मुझे बताओ कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, कंज्यूमर को बेनिफिट्स देना? अच्छी चीज है ना, तो ये क्रिएशन ऑफ बैरियर्स अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है। ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन आउट ऑफ द मार्केट, फोर क्लोजर ऑफ कॉम्पिटिशन, बुरी चीज है। तो ये बेनिफिट्स टू कंज्यूमर अच्छी चीज है, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट लाना अच्छी चीज है, टेक्निकल साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। तो कमीशन सिर्फ बुरी चीज देखेगा या बुरी और अच्छी दोनों चीज देखेगा? समझ में आ रहा है, जब वो फैक्टर्स देखता है ना कि फैक्टर्स जो क्रिएट कर रहे हैं अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट इन द मार्केट, वो दोनों चीज देखता है, अच्छी चीज भी बुरी चीज भी। तो अच्छी चीज ज्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट बुरी चीज ज्यादा है तो वो कॉम्पिटिशन इंपैक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो मुझे बताओ, अगर
इससे भी कंपटीशन इम्पैक्ट होता है क्या? कैसे? एग्जैक्टली. सो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कंज्यूमर को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो सारे कंज्यूमर किधर जाएंगे? तो दूसरा बेचारा क्या करेगा? मार्केट में अकेला पड़ जाएगा. उसे कंपटीशन इंपैक्ट होएगा क्या? डेफिनेटली होएगा. बट सीसीआई को उसे प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? सीसीआई को उसे प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? आके नहीं. हाँ क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? कंपटीशन बट कंपटीशन एक्ट बनाया ही किसके लिए? कंज्यूमर के लिए. किसके लिए बनाया है? कंज्यूमर और के लिए. फोर्थ पॉइंट में कंज्यूमर का बेनिफिट हो रहा है या कंज्यूमर दुखी हो रहा है, तो फिर सीसीआई को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बच्चा, कोई भी नया एंट्री आएगा तो कोई ना कोई तो टूटेगा. बट सीसीआई हमेशा देखेगा कि कंज्यूमर का बेनिफिट हो रहा है या नुकसान ही हो रहा है. नुकसान ही हो रहा है तो वो नहीं झेलेगा, बट बेनिफिट हो रहा है तो वो रहने देगा. समझ में आ रहा है? सो अभी कुछ भी कर लो. अगर मैंने एक नया शॉप यहाँ पे खोला, ठीक है, केक शॉप, अभी दो ऑलरेडी पुराने हैं, बट लोग मेरे पास ट्राई करने आएंगे या नहीं आएंगे? कुछ भी हो, नया एक बार तो ट्राई किया जाता है. क्या उससे कंपटीशन इम्पैक्ट होता है? क्या वो लोग का सेल्स इम्पैक्ट होएगा? डेफिनेटली होएगा. बट सीसीआई को इसे तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर का क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है. समझ में आ रहा है? सो अगर कंज्यूमर के बेनिफिट के वजह से कंपटीशन इम्पैक्ट हो रहा है, तो फिर सीसीआई को प्रॉब्लम नहीं है. करेक्ट. फिफ्थ पॉइंट बताओ, क्या किया लोग? इम्प्रूवमेंट किया है, बराबर है. मैंने तुम लोगों को बताया था ना, बच्चे हर टाइम ना लोगों को इनोवेशन चाहिए होता है, कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है. मैंने तुमको एक जिम जैम का एग्जांपल दिया था, याद है ना? मैं रिसेंटली गई थी ना सुपरमार्केट, तो जिम जैम बिस्किट अपना फेवरेट, क्रीम वाला ऊपर जेली है ना, वो अपन हमेशा खाते, बचपन से खाते आ रहे हैं. वहां पे मैं गई ना, तो कुछ अलग दिखा. क्या अलग दिखा? डबल बिस्किट नहीं था, सिंगल बिस्किट था जिसपे व्हाइट क्रीम था और जेली था. कुछ तो अलग था ना, टेस्ट वाज सेम, बट कुछ तो अलग दिखा करके मैंने उसको खरीदा. तो वो लोग ने क्या इम्प्रूव किया? अपना प्रोडक्शन, है ना? उससे किसको बेनिफिट मिला? दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो सीसीआई को तकलीफ नहीं है. लास्ट, प्रमोशन हो रहा है तीन चीज का, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कैसे? बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज. तो प्रमोशन हो रहा है ना, तो सीसीआई को प्रॉब्लम नहीं है. नहीं तो वो तीन नेगेटिव चीजें देखा और तीन पॉजिटिव चीजें देखा. बैरियर्स, ड्राइविंग आउट एग्जिस्टिंग कंपटीशन एंड फोरक्लोजर. ये तीन नेगेटिव चीजें देखा, कंज्यूमर का बेनिफिट देखा, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन देखा, और इम्प्रूवमेंट ऑफ या प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल डेवलपमेंट देखा. तो जहां पे उसको बेटर दिखता है वो साइड वो झुक जाएगा. तो ऊपर वाले पॉइंट ज्यादा है तो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, नीचे वाले पॉइंट ज्यादा है तो नॉट अप्रिशिएबल एडवर्स. गॉट द पॉइंट? सो जब ही सीसीआई डिटरमाइन करता है तो वो पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखता है और नेगेटिव. क्लियर? दैट आर द फैक्टर्स. अभी ये एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स जितने हैं ना, अपन सब देखे हुए हैं. सब लोग मुझे एक-एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव कैसे है. अपन डिटेल में ऑलरेडी देखा हुआ है. फर्स्ट वाला बताओ एग्जाम्पल के साथ. फर्स्ट वाला डब्बे का पॉइंट बताओ. तो डीलर को मैन्युफैक्चरर रहता है, वो डीलर को मिलता है उसके प्रोडक्ट में सप्लाई करता है, किसी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में सप्लाई नहीं करता. नहीं, वो लिमिट प्रोडक्शन नहीं है. कितना प्रोड्यूस डिसाइड कर करना लेते हैं, कौन डिसाइड करेगा? है कितना. कौन डिसाइड करेगा कितना प्रोड्यूस करना है? एक्चुअली
कौन सा एंटरप्राइज? लाइक वो लिमिटेड देते हैं, लिमिट देते हैं तो प्रोडक्शन करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स और सप्लाई करने वाले सप्लायर्स। अगर वो लोग लिमिट डाल देते हैं प्रोडक्शन पे तो कौन मिलके लिमिट डालते हैं कि कितना प्रोड्यूस करना चाहिए? अग्रीमेंट बन रहा है ना टू लिमिट प्रोडक्शन, किसके बीच में अग्रीमेंट होगा? प्रोड्यूसर्स के बीच में। किसके बीच में होगा? प्रोड्यूसर्स साथ में मिलके कुछ अग्रीमेंट करते हैं, है ना, टू लिमिट द प्रोडक्शन। उससे कुछ याद आता है क्या? प्रोड्यूसर्स साथ में मिलके लिमिट कर रहे हैं प्रोडक्शन। जोर से, कैटलाइजेशन क्या था? प्रोड्यूसर्स कमिंग टू गेदर एंड लिमिटिंग द प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? सो प्रोड्यूसर साथ में आके क्या कर रहे हैं? अग्रीमेंट कर रहे हैं। क्या करने के लिए? प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए। मोटिव क्या है प्रोडक्शन लिमिट करने का? जिधर 100 किलो राइस लगता है, हम लोग तो 50 किलो ही बनाएंगे। क्यों? प्राइस हाई होने के लिए। क्यों बनाते हैं वो लोग? प्राइस हाई। हर साल कुछ ना कुछ तो प्राइस हाई होता ही है, कभी दाल का, कभी शुगर का, कभी वटाना, कभी टमाटर, कभी अनियन, कुछ ना कुछ का तो शॉर्टेज होता ही है। Why? Because there is limit under production. और सब समझ में आ रहा है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट, अग्रीमेंट टू एलोकेट मार्केट। बता दो अपना फेवरेट वाला एग्जांपल। विजय सेल्स ने क्या बोला? किधर बेचेगा? क्रोमा को बोला थाने में नहीं आने का, थाने के कस्टमर मेरे। क्रोमा ने क्या बोला? मैं मुलुंड में ही बेचूंगा, तू मुलुंड में आने का नहीं। तो इन्होंने क्या कर दिया? मार्केट्स को एलोकेट कर दिया। अभी बेचारा मुलुंड वाला थाने नहीं जा पाएगा, थाने वाला मुलुंड नहीं आ पाएगा। दैट इज एलोकेशन ऑफ मार्केट्स। करेक्ट है? एंटी कॉम्पिटिटिव है, ऑब्वियसली है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट टू फिक्स। मैंने इसका क्या एग्जाम्पल दिया था? क्या एग्जाम्पल था? पहला टमाटर वाले से लेकर आखिरी टमाटर वाले का प्राइस एक ही होएगा, क्योंकि वो लोग मिलके क्या डिसाइड करते हैं? प्राइस। किधर भी पूछ लो, जाओ मार्केट, पहले टमाटर वाले से आखिरी टमाटर वाला सेम प्राइस पे बेचेगा, बिकॉज दे फिक्स प्राइस। अपने हिसाब से नहीं बेच रहे, फिक्स करके बेच रहे। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो तो बहुत छोटी सी बात है, ये अपन अभी अभी पढ़ा। एंटी कॉम्पिटिटिव है ना। फिर टाइम अरेंजमेंट कौन बताएगा? आधा आधा क्या बता रहे हो? वन वर्ड आंसर है। गैस सिलेंडर के साथ स्टोव भी लेना है। मतलब अगर वन चीज परचेज करना है जो तुमको रिक्वायर्ड है, उसके साथ मैंडेटरी दूसरा खरीदना ही पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम अरेंजमेंट। जैसे तुमको चाहिए था कुकिंग गैस, बट तुमको स्टोव खरीदना बोला, मैंडेटरी है, स्टोव खरीदेगा तो ही कुकिंग गैस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तुमको चाहिए था एक चीज, बट दूसरा मैंडेटरीली खरीदना पड़ा, उसको बोलते हैं हम टाइम अरेंजमेंट। राइट, नेक्स्ट। अब बता दे तेरा हल्दी वाला, हल्दी राम वाला एग्जाम्पल। करेक्ट, कैसे? जहाँ पे किसी कोई होलसेलर या रादर कोई मैन्युफैक्चरर अपने होलसेलर और रिटेलर को बोल रहा है कि तू कौन से प्रोडक्ट में डील करने का? सिर्फ मेरे प्रोडक्ट में। तू कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट में डील किया तो मैं तुझे सप्लाई बंद कर दूंगा, दैट इज एक्सक्लूसिव सप्लाई। क्लियर है? नेक्स्ट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस अभी अभी बात किया था अपन, क्या था? होलसेलर डिसाइड करता है कि रिटेलर कौन से प्राइस पे रीसेल करेगा। हु डिसाइड्स? होलसेलर इज सेलर एंड रिटेलर इज, तो सेलर डिसाइड्स के परचेसर कितने में
उसको बोलते हैं हम रीसेल प्राइस, करेक्ट। एंड लास्ट इज मना ही कर देते हैं, तुम्हारे साथ हम डील ही नहीं करेंगे, नया एंट्री को मना कर दिया, तुम्हारे साथ डील ही वड़ा पाव वाले को क्या नहीं दिया। वेरी क्लियर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट। देखो अभी अगर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा तो इतना ही लिस्टेड, बट 5 मार्क का पूछा तो विद एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? अच्छा मुझे सबसे पहले तो इसका मतलब बताओ, ये भी अपन एक बार डिस्कस किया हुआ है, अभी ध्यान देना, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और कॉम्बिनेशन, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बहुत ज्यादा वाले, ठीक है। डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है? डोमिनेंट इसी का मीनिंग पूछना। सुपीरियर पोजीशन, सो क्या मैं बोलूं टॉप पोजीशन? ऐसा पोजीशन जो नीचे वाले के विल को डोमिनेट कर सकता है, उसको डोमिनेंट पोजीशन, कंट्रोलिंग पोजीशन, टॉप पोजीशन। अच्छा टॉप पोजीशन पे होना गलत बात है? नहीं, क्या गलत बात है? अपनी मेहनत से पहुंचा ना, तो गवर्नमेंट को टॉप पोजीशन से प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉट फ्राउंड एट। व्हाट इज फ्राउंड एट? उसको पोजीशन को अब्यूज करना, करेक्ट है। अगर तुम ऊपर हो और नीचे वाले को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम है, ऊपर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है। अभी कोई ऊपर है या नहीं है ये तय कैसे किया जाता है? सो वो बताता है तुम्हारा सेक्शन नंबर 4, कोई डोमिनेंट। अभी मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मच्छर मारने के लिए घर पे मच्छर आ जाते हैं, उसको मारने के लिए क्या चाहिए? गुड नाइट लिक्विड, एक गुड नाइट लिक्विड, और क्या चाहिए? मॉर्टिन बैट चाहिए, वेरी गुड, और अगरबत्ती चाहिए, और ऑल आउट चाहिए, सब अपने अपने ब्रांड का नाम है, हाथ चाहिए, एक नंबर, फिर हिट का स्प्रे, ये सारी चीजें चाहिए। मच्छर नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है मच्छर मारने के लिए? मच्छर। तो अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई तुम डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले वो किस पे होना चाहिए? इस डोमिनेंट पोजीशन पे, फिर वो अब्यूज करेगा ना। अगर वो डोमिनेंट पोजीशन पे ही नहीं है तो वो अब्यूज कर ही नहीं सकता। तो सीसीआई अब्यूज हो रहा है या नहीं, सबसे पहले तो ये रेलेवेंट चेक करेगा कि वो डोमिनेंट पोजीशन पे है या नहीं। डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है तो अब्यूज का क्वेश्चन ही नहीं है, और डोमिनेंट पोजीशन पे है फिर वो देखेगा कि अब्यूज हो रहा है या अब्यूज नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मच्छर। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोमिनेंट पोजीशन पे होना। Clear? Section 4 of Competition Act 2002 expressly prohibits any enterprise or group. कोई भी enterprise या group को वो क्या करता है? Prohibit. अच्छा restrict करता है या prohibit? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, regulate and prohibit दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि अगर मैं तुमको बताऊं, हम नीचे जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना, तो इट इज, समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन क्या है? रेगुलेशन है, रेगुलेटेड है। और डोमिनेंट पोजीशन क्या है? दोनों में फर्क क्या है? प्रोहिबिशन मतलब रेगुलेट करना, मतलब चलाना, प्रोहिबिशन करना मतलब इस तरह से। नॉट वेरी क्लियर। मुझे बताओ रेगुलेशन, रेगुलेटेड एंड प्रोहिबिटेड में अलाउड है वो काम करना या अलाउड ही नहीं है काम करना? अगर पर्टिकुलर एक्टिविटी बोला है प्रोहिबिटेड,
नॉट अलाउड. सो प्रोहिबिशन में मैं बोलू कि ये एक्टिविटी अलाउड ही नहीं है. सो अगर मैं बोलती हूँ प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन, मतलब कुछ भी कर लो तुम अब्यूज नहीं कर सकते. करेक्ट है. रेगुलेटेड मतलब कर सकते हो बट विथ समझ में आ रहा है. रेगुलेशन मतलब उस पे कुछ तो रेगुलेटेड है. विथ परमिशन अलाउड. प्रोहिबिटेड मतलब कुछ भी कर लो नॉट अलाउड. दैट इज द डिफरेंस रेगुलेटेड एंड प्रोहिबिटेड. समझ में आ रहा है. ओके सो यहाँ पे सेक्शन 4 क्या करता है. प्रोहिबिट मतलब नॉट अलाउड. किसको नॉट अलाउड. एंटरप्राइज या ग्रुप को. किस चीज से नॉट अलाउड. फ्रॉम अब्यूजिंग इट्स. करेक्ट है. उसका मीनिंग देखो. इतना ही पढ़ो. सबसे पहले इतना ही पढ़ो. डोमिनेंट पोजिशन मतलब पोजिशन ऑफ विच इज एंजॉयड बाय एन और ग्रुप. किधर एंजॉय कर रहे हैं. चाइना में. रेलेवेंट मार्केट इन इंडिया में. तो स्ट्रेंथ का पोजीशन किधर है. इंडिया में. कौन से इंडिया में. रेलेवेंट मार्केट ऑफ इंडिया में. करेक्ट है. और उससे उसको क्या फायदा हो रहा है. फर्स्ट पॉइंट. कैसे बोल रहे हैं. हम डोमिनेंट पोजीशन पे है वो क्योंकि उससे वो क्या कर पा रहा है. इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर पा रहा है. नीचे कितना ही कंपटीशन होने दो वो क्या कर रहा है. इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है. तो अगर उसको कंपटीशन से फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो क्या वो डोमिनेंट पोजीशन पे है. मैं वापस बोल रही हूँ. उसको कॉम्पिटिटिव फोर्सेस से फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो क्या वो डोमिनेंट पोजिशन पे है. बराबर है. सो वो डोमिनेंट पोजीशन पे है तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है. पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ किधर है. इंडिया में. जिससे उसको क्या मिल रहा है. टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. जिससे उसको क्या मिल रहा है. टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपटीशन फोर्सेस विच आर प्रिवेलिंग. प्रिवेलिंग मतलब एग्जिस्टिंग इन द रेलेवेंट मार्केट. रेलेवेंट मार्केट में कितना ही कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होने दो उसको से फर्क नहीं पड़ रहा है. वो तो कैसे ऑपरेट कर रहा है. इंडिपेंडेंटली. तो वो कौन है. डोमिनेंट पोजीशन. क्लियर. सेकंड. डोमिनेंट पोजीशन पे उसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है. बराबर है. वो कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर्स को अपने फेवर में लेकर आ रहा है इन द रेलेवेंट मार्केट. क्लियर. तो दो चीजें कर रहा है. एक ऑपरेट कर रहा है इंडिपेंडेंटली. उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. दूसरा कंज्यूमर्स कस्टमर्स और रेलेवेंट मार्केट को वो अपने फेवर में लेकर आ सकता है. तो वो डोमिनेंट पोजिशन पे है. और किसी भी एंटरप्राइज को ये करना प्रोहिबिटेड. क्लियर. ओके. इन द लाइन विद लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेंड डोमिनेंस शैल नॉट बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू असेट टर्नओवर और मार्केट शेयर. पहले तो कैसा होता था. जिसके पास ज्यादा असेट्स है वो डोमिनेंट पोजीशन पे. जिसके पास ज्यादा टर्नओवर है सेल्स है वो डोमिनेंट पोजीशन पे. बट अभी लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेंड बोलता है कि सिर्फ यही मत देखो और भी फैक्टर्स है जो देखने पड़ेंगे. To decide the dominant factor. Okay. 4-2 क्या स्टेट करता है. सबसे पहला लाइन पढ़ के बताओ. पढ़ा. 4-1 और 4-2 में क्या फर्क है. सेक्शन 4 एंड सेक्शन 4 सबसेक्शन 2.
किसको अब्यूज नहीं करने अब्यूज नहीं करने का ये प्रोहिबिट किया है सेक्शन 4 में, और अब्यूज करने से वो क्या कर सकता है वो बताया गया है, बराबर है। और यहाँ पे 4.2 में क्या बोला है, 4.2 में बोला है कि ये सब किया तो हम मानेंगे कि वो अब्यूज कर रहा है। समझ में आया? 4.2 में क्या बोला है, चीजें बताई है जिससे अब्यूज माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। ये सेकेंड को कैंसिल करो, ये कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, टाइपो है। थर्ड भी कैंसिल करो, ये पूरा एक साथ पढ़ना, पूरा एक साथ पढ़ना। पढ़ा? उसका एक हेडर बताऊं, एक एंटरप्राइज है जो कुछ तो इम्पोज कर रहा है। इम्पोज क्या कर रहा है? समथिंग विच इज अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी, और अनफेयरनेस रिलेटेड टू टू थिंग्स, या तो कंडीशन या तो बराबर है, या तो कंडीशन अनफेयर डाल रहा है या तो प्राइस अनफेयर डाल रहा है। अच्छा मुझे बताओ कि ऑयल अपन कहाँ से खरीदते हैं? घर पे नहीं, अपना इंडिया ऑयल कहाँ से खरीदते? सो तुम बोल रहे हो कि अरब कंट्रीज से खरीदता है ऑयल। कौन से तरीके का ऑयल? कोकोनट ऑयल। तो क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल डीजल वो सब अरब कंट्रीज से अपना इंडिया खरीदता है, बराबर है। सो क्या तुम बोल सकते हो अरब कंट्रीज विद रिलेटेड टू ऑयल्स डोमिनेंट पोजीशन पे है या नहीं? है ना? अगर ये अरब कंट्रीज इंडिया को अलग प्राइस पे बेच रहे हैं और यूएसए को डिफरेंट प्राइस पे बेच रहे हैं, तो क्या वो लोग अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहे हैं? है ना? सो व्हाट दे आर इम्पोजिंग अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इतना समझ में आया? या तो अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी क्या डाल रहे हैं, कंडीशन इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर वो लोग बोल रहे हैं इंडिया को कि मिनिमम खरीदना है तो 100 किलो ही खरीदना पड़ेगा, उसके नीचे नहीं खरीदेंगे, जबकि वो यूएसए को कितना भी खरीदने का ऑप्शन दे रहे, तो उसने क्या इम्पोज किया? अनफेयर कंडीशन। तो अगर तुम डोमिनेंट पोजीशन पे हो और तुम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अनफेयरनेस या डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर कर रहे हो रिलेटिंग टू टू थिंग्स, या तो कंडीशंस ऑफ परचेस और सेल या तो प्राइस इन परचेस और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो तुम क्या कर रहे हो अपने डोमिनेंट पोजीशन को? अब्यूज। दैट्स ए सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। वेरी क्लियर? याद करो अभी। अरे एक वर्ड रह गया, ठीक है? अभी तुम मुझे बताओ कि तुम, ठीक है, अगर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपया है ऑफ अ प्रोडक्ट, तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? शायद तुम बोलोगे 10 रुपया प्रॉफिट मैम, और 110 में बेचेंगे। पर अगर तुम 90 पे बेच रहे हो तो लॉस कर रहे हो, मतलब तुम बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेच रहे हो, तुम बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेच रहे हो। द रीजन कुड बी तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है थोड़ा लॉस बेयर करने में, क्यों? क्योंकि तुम डोमिनेट पोजीशन पे हो, बराबर है। बट तुम ये क्यों कर रहे हो?
90 में बेच रही हूँ, मजा आ रहा है मेरे को। तो मुझे बताओ जियो ने फ्री क्यों दिया 4G? एग्जैक्टली। तो जब भी तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम में बेचते हो कंपटीशन को बाहर निकालने के लिए, और ये तुम कब कर सकते हो? जब तुम डोमिनेंट पोजीशन पे हो। नॉर्मल लोगों को इतना लॉस बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होता है, डोमिनेंट पोजीशन वाला ही ये लॉस बेयर कर सकता है। तो उसको बोलते हैं हम प्रेडेटरी प्राइस, दैट इज सिंपली सेलिंग बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इज कॉल्ड प्रेडेटरी प्राइसिंग। इज दैट वेरी क्लियर? याद करो सेक्शन 4.2, याद करो। डन, बता दो क्या होता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, मतलब एंटरप्राइज या ग्रुप क्या कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या कर रहा है? इम्पोजेस अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी व्हाट कंडीशन, कंडीशन किसमें? ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या तो किसमें? प्राइस ऑफ परचेस और सेल इंक्लूडिंग डन, क्या बोलता है? नहीं समझा क्या बोलता है? हाँ नहीं मिली, या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस है वो कंपटीशन के बेनिफिट।
नॉन कॉम्पिटिशन का बेनिफिट के लिए, टू मीट द कॉम्पिटिशन मतलब टू सर्वाइव द कॉम्पिटिशन, टू मीट द कॉम्पिटिशन मतलब टू। तो मुझे बताओ जियो जब आया तो सब लोगों ने अपना कॉस्ट कम किया था या नहीं? वोडाफोन, एयरटेल, सबने अपना कॉस्ट क्या किया? क्यों किया? टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन, और उसके लिए कर रहे हैं। तो तुम डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 4.2b इंक्लूड्स इन द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड एंटरप्राइज और ग्रुप लिमिटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग। यहाँ पे क्या बोला है, एंटरप्राइज या ग्रुप क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है या किस चीज को? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ और मार्केट, मतलब कोई ऐसा डोमिनेंट पोजीशन पे है जो प्रोडक्शन को लिमिट कर रहा है, मतलब जितनी चीजों की जरूरत है मार्केट में क्या वो उतना प्रोड्यूस कर रहा है, जानबूझ के वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, या टेक्निकल या साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहा है, प्रिजुडाइज कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजुडाइज? हार्म कर रहा है। किसको हार्म कर रहा है? कंज्यूमर को। तो लिमिट या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है दो चीजों को, प्रोडक्शन एंड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। डोमिनेंट पोजीशन है, दो चीज को लिमिट या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। किसको लिमिट या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? प्रोडक्शन को या डेवलपमेंट को? प्रोडक्शन को या डेवलपमेंट को? डेवलपमेंट कौन सा और प्रोडक्शन किसका? गुड्स या सर्विसेज का। तो वो डोमिनेंट पोजीशन को क्या कर रहा है? अब्यूज। ये किसमें दिया है? 4.2b में। 4.2 में क्या दिया था? अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन या प्राइस, ये 4.2 में था। 4.2b में क्या बोलता है? लिमिट और रेस्ट्रिक्ट। किस चीज का लिमिट या रेस्ट्रिक्ट? प्रोडक्शन या साइंटिफिक डेवलपमेंट। क्लियर? ठीक है, अकॉर्डिंगली 4.2c, d, and e भी है। तो 4.2c, d, and e क्या बोलता है? थ्री अदर फॉर्म्स ऑफ अब्यूजेस, सी 1, 2, and 3, थ्री अदर फॉर्म्स ऑफ अब्यूजेस। इफ पर्सन इंडल्जेस इन प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन, व्हाट डू यू मीन बाय डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस, मतलब नॉट गिवन परमिशन। तो अगर मैं डोमिनेंट पोजीशन पे हूं और किसी को मार्केट में एंट्री ही मना कर रही हूं तो वो क्या होता है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, समझ में आ रहा है? दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट्स तक, मेक से लेकर कॉन्ट्रैक्ट तक एक बार पढ़ने का कोशिश करना क्या बोला है। सबसे पहला तो 4.2c विच इज डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस, ये पहला हुआ अब्यूज, ये दूसरा अब्यूज और ये तीसरा अब्यूज। दूसरा अब्यूज पढ़ के बताओ मुझे क्या बोला। Concluding the contract मतलब making the contract, conclusion of contract मतलब making the contract, entering the contract, obligation मतलब some duty, some responsibility, कुछ समझ में आया क्या बोला है? सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टीज मतलब
अगर ये लाइन को, सिर्फ ये लाइन को मैं ऐसे लिखूं तो और फिर आगे, क्या ये वर्डिंग समझ में आते? कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब दूसरी पार्टी कुछ तो क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। कुछ पार्टी कुछ तो क्या करेगी, एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट करेगी? सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन। सप्लीमेंट्री मतलब सब एडिशनल। सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, सम रेस्पॉन्सिबिलिटी। पूरा इंटरप्रेट कर। वो जो इफ पार्टीज एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस जी व्हिच बाय नेचर इनका कोई कनेक्शन नहीं है सब्जेक्ट किसका कनेक्शन नहीं है से, मेन कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट और है उसका। सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन का? और कुछ इंटरप्रिटेशन? ये लाइन पढ़ के कुछ तो समझ में आता होगा। क्या समझ में आता है, सही गलत वट एवर, कुछ तो समझ में आता हो। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अरब कंट्रीज आर रेडी टू सेल ऑयल टू इंडिया, ठीक है, विथ उसका प्राइस भी लेंगे, बट विथ सम एडिशनल कंडीशन दैट इंडिया इंडिया ये पढ़ के मुझे समझाओ कि क्या बोला है। हाँ, कंडीशन कंडीशन रखे हैं, अरब कंट्री डोमिनेंट पोजीशन पे ऑयल्स में, वो इंडिया को बेचने के लिए रेडी है, इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, बट उसके लिए वो बोल रहा है कुछ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा। और वो सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन क्या बोला उसने?
इंडिया कभी भी अरब के अगेंस्ट नहीं जा सकता, या वो कंट्री को सपोर्ट नहीं करेगा जो किसके अगेंस्ट है, अरब के। मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट और सप्लीमेंट्री कंडीशन में कोई भी लेना देना है नहीं ना? तो यहाँ पे भी वही बोला है ना कि सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन देने बोला है विच हैव नो कनेक्शन विद द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अब्यूज कर रहा है डोमिनेंट पोजीशन को अंडर सेक्शन 4(2)(d). इज दैट वेरी क्लियर? सम एडिशनल कंडीशन इज पुट विच इज अब्यूजिंग ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड हैविंग नो कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? ठीक है। एंड लास्ट 4(2)(e) क्या बोलता है? कोई एक ऐसा पर्सन हु इज यूजिंग द इन वन रेलेवेंट मार्केट टू एंटर इन टू और प्रोटेक्ट इन अदर रेलेवेंट मार्केट। तो एक रेलेवेंट मार्केट में खुद का डोमिनेंस यूज करें ताकि वो दूसरे मार्केट में एंट्री कर पाए। इज दैट क्लियर? तो 4(2)(a) टॉक्स अबाउट ये वाला है ना, 4(2)(b) लिमिटिंग, 4(2)(c) डिनायल, 4(2)(d) कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन, 4(2)(e) रेलेवेंट मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन यूज करना ताकि दूसरे में एंट्री कर सके। ये सब क्या है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, जरा प्रेडेटरी प्राइसिंग का डेफिनेशन पढ़ो। पढ़ा क्या? प्रेडेटरी प्राइसिंग का मीनिंग समझ में आया? सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिलो क्यों करें? हर एक करने का रीजन होता है ना, ये क्यों कर रहे हैं? टू रिड्यूस और एलिमिनेट कॉम्पिटिटर्स। समझ में आ रहा है? अभी प्रेडेटरी प्राइसिंग करना है तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो तुम गुड्स बेच रहा है या सर्विसेज दे रहा है प्राइस बिलो cost and that practice is resorted to eliminate competitors or reduce competition. तो ये predatory pricing है वरना नहीं। Okay, ये बताओ CCI पहले क्या determine करेगा फिर क्या determine करेगा? दो चीजें determine करने का power दिया है CCI। तो पहले में CCI ये डिटरमाइन करेगा कि कोई एंटरप्राइज डोमिनेंट पोजीशन पे है या नहीं है, फिर डिटरमाइन करेगा कि वो डोमिनेंट पोजीशन अब्यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो CCI दो चीज देखेगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए? मच्छर, फिर मच्छर मारने का इलाज। क्लियर? इट मे बी नोटेड दैट मियर एग्जिस्टेंस ऑफ डोमिनेंस इज नॉट frowned upon unless the dominance is abused. Dominant position से दिक्कत नहीं है, किससे दिक्कत है? उसके abuse. Clear?
अब ये अपन ऑलरेडी पढ़ लिया, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस में क्या क्या कर सकते हैं ये पढ़ा ना, अनफेयर कंडीशंस या प्राइस डालना, प्रिडेटरी प्राइसिंग, लिमिटिंग। अच्छा ये कौन सा सेक्शन था, फोर 4.2b? टू पक्का 4.2 क्या था फिर? बी फोर टू क्या 4.2a है वो, 4.2। ये प्रिडेटरी प्राइसिंग 4.2 क्या? नहीं, एक बुक है ना तुम्हारे सामने, 4.2। ओके। लिमिटिंग प्रोडक्शन, फोर टू बी, फोर टू बी लिखो, ठीक है। क्रिएटिंग बैरियर्स टू डिनाइल मार्केट सेक्शन, अप्लाइंग अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन टू सिमिलर ट्रांजैक्शन, 4.2d। ये भी सिमिलर, एंड यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन इन वन मार्केट टू गेन एडवांटेज इन अनदर। समझ में आ रहा है? 5 मिनट रुक जाओ, फिर कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं, थोड़ा ब्रीद कर लो।
अच्छा हम लोग ने पूरा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में पढ़ा एंटरप्राइज एंड ग्रुप है ना। एंटरप्राइज ये नहीं करना चाहिए, ग्रुप ये नहीं करना चाहिए, एंटरप्राइज ये नहीं करना चाहिए, ग्रुप ये नहीं करना चाहिए, वो पढ़ा। तुम लोग में से किसी ने बोला नहीं ग्रुप क्या होता है? ग्रुप क्या होता नहीं पूछा तुम लोग ने मेरे? अब पूछ रहे हैं यूजलेस। अब तुम बताओ ग्रुप क्या होता है, तुमने पूछा नहीं। हाँ दो यार ज्यादा एंटरप्राइज एक साथ हो जिसका एक एंटरप्राइज का 20 20 कितना भी वोटिंग राइट्स दूसरे एंटरप्राइज में हो, कितना भी कैसा मतलब स्पेसिफिक उधर 26 दिया है। हाँ तो 26 ही होगा ना दिया है तो। अगर मैं बोलूं ए लिमिटेड है ना, बी लिमिटेड में 26% क्या कर रही है? अच्छा वोटिंग राइट्स किसको होता है कंपनी में? डायरेक्टर्स को वोटिंग राइट होता है, शेयर होल्डर्स को। वेरी गुड। सो अगर मैं बोलूं ए लिमिटेड बी लिमिटेड का शेयर होल्डर है तो चलेगा है ना? सो ए लिमिटेड बी लिमिटेड में कितना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करता है? 26%। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? समझ में आ रहा है? ठीक है। या ए लिमिटेड बी लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहा है, क्या अपॉइंट कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितना? मोर देन 50%। सो अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में क्या अपॉइंट कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितना? मोर देन, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? क्लियर। या ए लिमिटेड बी लिमिटेड का मैनेजमेंट या अफेयर्स क्या कर रहा है? कंट्रोल। तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? समझ में आ रहा है? या तो 26% वोटिंग राइट, या मोर देन 50% बीओडी अपॉइंटमेंट, या तो कंट्रोल द अफेयर्स और मैनेजमेंट। तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ग्रुप। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, अभी ग्रुप समझ में आता है। अब समझो व्हाट इज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन इज सम मर्जर, सम अमालगमेशन, सम एक्विजिशन। एक्विजिशन किस चीज का हो सकता है? शेयर्स का एक्विजिशन हो सकता है, असेट का एक्विजिशन हो सकता है, वोटिंग राइट्स का एक्विजिशन हो सकता है। बराबर है? सो सम मर्जर, सम अमालगमेशन, सम एक्विजिशन ऑफ वन एंटरप्राइज इन अनदर एंटरप्राइज मे बी कॉम्बिनेशन। मे बी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कब होगा? हर एक मर्जर अमालगमेशन कॉम्बिनेशन होता है क्या? नहीं। बट अगर मैं बोलूं दो एंटरप्राइज हो रही हैं अमालगमेट, दो एंटरप्राइज क्या हो रही हैं मर्ज अमालगमेट, मतलब व्हाट इज मर्जर अमालगमेशन? कर कमिंग टुगेदर। हो सकता है दो मिलके तीसरा बना रहे, हो सकता है एक दूसरे में मर्ज हो रहा है। सो दैट इज मर्जर और अमालगमेशन। ठीक है, तो दो एंटरप्राइज क्या हो रहे हैं? अमालगमेट हो रहे हैं। या एक ग्रुप किसी एंटरप्राइज के साथ क्या हो रहा है? अमालगमेट हो रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और दोनों का मिलके कंबाइंड दो चीजें, इधर असेट्स और टर्नओवर। दोनों का मिलके असेट्स या टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट
से अगर ऊपर जाता है, दोनों का कंबाइंड असेट या टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब लिमिट है, उससे क्या जाता है, ऊपर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? दे आर कंबाइनिंग विद ईच अदर, दे आर कंबाइनिंग विद ईच अदर। द कॉम्बिनेशन कुड बी थ्रू मर्जर, कॉम्बिनेशन कुड बी थ्रू अमेलगमेशन, कॉम्बिनेशन कुड बी थ्रू एक्विजिशन, जहां पे लोग क्या आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। बट हर मर्जर, हर अमालगमेशन, हर एक्विजिशन कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो कौन सा मर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशन, कॉम्बिनेशन होता है जो दोनों का मिलके असेट का लिमिट तोड़े या टर्नओवर का लिमिट क्रॉस करे? ये दोनों में से किसी का लिमिट क्रॉस किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो मैम ऐसा मर्जर अमालगमेशन अलाउड नहीं है क्या? अलाउड है। बट तुमको समझ में आ रहा है, दो बड़ी कंपनियां साथ में आएंगी तो कंपटीशन अफेक्ट हो सकता है, बराबर है? जैसे वोडाफोन आइडिया, ये दोनों जब साथ में आई थी तो प्लेयर से कितने बचे, एयरटेल, वी एंड जियो, और कौन है, बराबर है? तो उसे प्लेयर्स कम होते हैं, प्लेयर्स कम होते हैं तो कंपटीशन मार्केट में गिरता है। बट मना नहीं है, मर्जर अमालगमेशन मना नहीं है। बोला तुम्हारा मर्जर अमालगमेशन अगर कॉम्बिनेशन में फॉल करता रहेगा ना, तो सीसीआई का परमिशन लेने का, क्या लेने का, सीसीआई का परमिशन। सीसीआई चेक करेगा कि तुम्हारे मर्जर अमालगमेशन से मार्केट में क्या हो सकता है, और अगर उसको लगता है कॉम्पिटिशन अफेक्ट नहीं होगा तो वो परमिशन दे देगा, कर लो। और अगर उसको लगता है मार्केट में कॉम्पिटिशन अफेक्ट करेगा तो वो परमिशन नहीं देगा, तो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। वेरी सिंपल, एनी मर्जर, एनी अमालगमेशन, एनी एक्विजिशन विच इज कंबाइंड अबाउट सम लिमिट्स, व्हाट लिमिट्स, ऑफ असेट्स और टर्नओवर। कौन से लिमिट्स अपन पढ़े, ठीक है, ऑफ असेट्स और टर्नओवर। तो क्या लेना पड़ेगा ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए, सीसीआई का परमिशन। सीसीआई ने परमिशन दिया तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। वेरी क्लियर, ठीक है, आ जाओ। कॉम्बिनेशन अंडर एक्ट मीन्स एक्विजिशन। एक्विजिशन किस चीज का, कंट्रोल का, शेयर्स का, वोटिंग राइट्स का, असेट्स का। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज वेयर सच पर्सन हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अनदर एंटरप्राइज एंगेज्ड इन कंप्यूटिंग बिजनेस एंड बिटवीन और अमंगस्ट एंटरप्राइजेस व्हेन कंबाइनिंग पार्टीज एक्सीड द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट। तो कंबाइनिंग पार्टीज क्या करें, थ्रेशोल्ड को एक्सीड करें। और थ्रेशोल्ड कौन से हैं, दो के रिलेटेड थ्रेशोल्ड है, एक असेट दूसरा टर्नओवर। क्लियर? थ्रेशोल्ड आर स्पेसिफाइड इन द एक्ट इन टर्म्स ऑफ असेट और इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। इंडिया में भी कॉम्बिनेशन हो सकता है और आउटसाइड इंडिया, है ना? ओके, ये पढ़ो और मुझे बताओ क्या बोला है। पढ़ा कौन जो जो कॉम्बिनेशन एडवर्स इफेक्ट ला रहा है सा कंपटीशन एडवर्स इफेक्ट, में आ रहा है, तो रेलेवेंट मार्केट लाइक इंडिया वो प्रोहिबिट करता है, वो कॉम्बिनेशन। कंपटीशन कहाँ अफेक्ट हो रहा है, रेलेवेंट मार्केट इन इंडिया में, और ऐसा कॉम्बिनेशन क्या है और क्या होएगा? वेरी क्लियर, ठीक है। थ्रेशोल्ड अब पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 5 में। कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 5 में। सो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन वाज सेक्शन नंबर 4, कॉम्बिनेशन है सेक्शन नंबर। वेरी क्लियर, आ जाओ थ्रेशोल्ड पढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड दो चीजों के रिलेटेड है ना, असेट या टर्नओवर। कौन सा थ्रेशोल्ड है, असेट या टर्नओवर, आ जाओ। थ्रेशोल्ड फॉर फाइलिंग द नोटिस, नोटिस सीसीआई से परमिशन लेना पड़ेगा ना, अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो सीसीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। तो उस जो परमिशन लेते हैं उसको हम नोटिस बोलते हैं, जो परमिशन लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नोटिस, ठीक है। सो परमिशन कब लेना पड़ेगा, जब असेट या टर्नओवर का लिमिट तो क्रॉस कर रहा है तो परमिशन की जरूरत है, वरना परमिशन की जरूरत नहीं है। तो हर मर्जर अमालगमेशन के लिए परमिशन का जरूरत है क्या, नहीं। अगर लिमिट के बाहर है तो परमिशन लगेगा, वरना परमिशन का जरूरत नहीं। वेरी क्लियर। दो लेवल्स पे हम लोग ये देखेंगे, एक एंटरप्राइज लेवल, दूसरा ग्रुप लेवल, ठीक है। सो एंटरप्राइज लेवल में अगर तुम्हारा असेट इंडिया में
कितना है मोर देन 2000 INR करोड़, मतलब क्या ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ हो रहा है मर्ज, क्या हो रहा है मर्ज या मेलगमेट दोनों का मिलके कंबाइंड असेट कितना है, तो उसको मानेंगे हम कॉम्बिनेशन और पहले लेना पड़ेगा अप्रूवल ऑफ सीसीए। समझ में आ रहा है? टर्नओवर दोनों का कंबाइंड कितना हो रहा है मोर देन 6000 INR करोड़। मर्जर अमालगमेशन कौन से लेवल पे है और किधर है सिर्फ इंडिया, ठीक है। अभी मर्जर अमालगमेशन एंटरप्राइज लेवल पे है बट इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया, कौन से लेवल पे है इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया, मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो मैम एक एंटरप्राइज इंडिया में है दूसरा एंटरप्राइज और दोनों हो रहे हैं अमालगमेट, तो अभी बाहर का भी देखेंगे और यहाँ का भी असेट देखेंगे कॉम्बिनेशन में, तो बाहर वर्ल्ड वाइड विद इंडिया ले कितना है असेट मोर देन USD 1 बिलियन। अभी यूएसडी मतलब यूएसडी का फुल फॉर्म ये ऐसा मत देखो, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स इज यूएसडी, जितना भी बच्चा लोग अपन फॉरेन लॉस देखेगा ना सब डॉलर में ही देखेगा, क्यों ऐसा मैम? ऑस्ट्रेलिया वगैरह में किया तो दुबई में किया तो कॉम्बिनेशन कर सकते हो बट डॉलर इज मोस्ट स्टेबल करेंसी, इसीलिए जो भी लिमिट दिए हुए हैं वो किसमें दिए हैं डॉलर में, सो मैम दुबई में किया तो दिरम्स, सो उसको रेलिवेंट कन्वर्जन करना पड़ेगा इंटू डॉलर, तो लिमिट देखने के लिए दिरम्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स। समझ में आया? ठीक है, तो रेट इज ऑलवेज गिवन इन डॉलर्स, तो अगर इंडिया प्लस वर्ल्ड वाइड का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो बाहर कितने असेट्स हैं USD 1 बिलियन और इंडिया में कितने हैं मोर देन 1000 INR करोड़ इन इंडिया, सो बाहर कितने हैं USD 1 बिलियन प्लस इंडिया में कितने हैं मोर देन 1000 INR, क्लियर? और टर्नओवर कितना है USD 3 बिलियन इंडिया में एटलीस्ट 3000 INR, ठीक है। अभी ग्रुप लेवल का बताओ, ग्रुप लेवल का सिर्फ इंडिया लेवल कॉम्बिनेशन हो रहा है तो, और टर्नओवर वर्ल्ड वाइड विथ इंडिया ले गए तो USD 4 बिलियन with at least 1000 INR in India, USD 12 बिलियन with at least 3000 INR in India. ये डब्बा याद करना पड़ेगा, ये डब्बा नहीं लिखा कॉम्बिनेशन में तो मार्क्स भूल जाना, सेम टू सेम। कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन, अभी यहाँ पे 2000 INR करोड़ है, ये करना है तो हमेशा इंटू फोर करना, 2000 × 4 = 8000, 1 × 4 = 4 बिलियन, ठीक है, एंड दिस इज 1000 सेम, 6000 × 4 = 24, 3 × 4 = 12 एंड 3 का is 3। समझ में आया? और ऐसे देखना है तो इंटू थ्री करने का, 2 × 3 = 6, 1 × 3 = 8000, 4 × 3 = ऐसे इंटू थ्री और ऐसे इंटू फोर, गॉट द लॉजिक? सो अगर मैं 2000 इंडिया लेवल बोल रही हूं तो उसका टर्नओवर इंटू थ्री 6000, अगर वर्ल्ड वाइड लेग में 1 बिलियन बोल रही हो तो इंटू थ्री इज टर्न ओवर, 1000 INR × 3 = 3000 INR और 2000 का ग्रुप लेवल पे इंटू फोर, तो 2000 का 8000 हो जाएगा, 1 बिलियन का 4 बिलियन हो जाएगा, 1000 से टर्न ओवर 3 बिलियन का हो जाएगा 12 बिलियन और 3000 का से ऐसे इंटू थ्री और ऐसे इंटू फोर, याद रहेगा?
अच्छा अभी मुझे बताओ कि अगर इंडिया में इंडिया में एंटरप्राइज लेवल पे हो रहा है मर्जर, इंडिया में एंटरप्राइज लेवल पे हो रहा है मर्जर कंबाइंड असेट्स यार अदर ए लिमिटेड का हो रहा है मर्जर विथ उनका असेट्स, अगर मैं बोलूं तो इसका है 1500 करोड़ और इसका है 800 करोड़, ठीक है, और बी का है 1800, इसका है 300, ठीक है, बी का है 1800, दिस असेट एंड दिस इज टर्नओवर, एक का टर्नओवर है 6000 करोड़ और इसका है 1800 करोड़, थोड़ा चेंज करूंगी इसको बाद में, अब बताओ कॉम्बिनेशन है या नहीं, एंटरप्राइज लेवल है आप है कि नहीं है, नहीं मुझे तो मालूम ही नहीं है, आई डोंट नो, नहीं टर्नओवर नहीं 6000 होना चाहिए तो है कि नहीं है, ये बाजू वाले का देख के मत बोल रहे हैं, है श्रावणी देख ले असेट टर्नओवर का लिमिट क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा कंबाइंड में, क्रॉस नहीं क्रॉस हो रहा है तो क्या लगता है तुझे असेट का क्रॉस हो रहा है टर्नओवर का नहीं हो रहा है, ऐसा शॉर्ट में बोलते हैं तुम लोगों को क्या लगता है, हैव सम ओपिनियन, राइट रॉन्ग, यू शुड हैव सम ओपिनियन, क्या कॉम्बिनेशन कैलकुलेट देख, तो मुझे बता असेट कॉम्बिनेशन होने के लिए, एंटरप्राइज लेवल बोला मैंने तो कॉम्बिनेशन होने के लिए असेट कितने से क्रॉस होना चाहिए, इंडिया लेवल है दोनों, दोनों एंटरप्राइज लेवल है तो असेट का लिमिट कितना दिया है, चार्ट देख, करेंगे 1000 कितना है, ये क्या है, ये इंडिया लेवल है ना, इंडिया लेवल का कितना है कितना बराबर है, और टर्नओवर कितना दिया है यहाँ पे देख, कितना है टोटल मिला के, कंबाइंड देखने का, हमेशा क्या देखने का कंबाइंड, तो दोनों का कंबाइंड मिलके कितना हो रहा है यहाँ पे, कितना हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन है या नहीं है, नहीं नीचे ये है नीचे किधर, बाजू में इधर, ऐसे इंडिया लेवल ऐसा है ना, ये तो वर्ल्ड ग्रुप लेवल है ना, इंडिया लेवल ऐसा है, ग्रुप लेवल ऐसा है,
इंडिया लेवल पे टर्नओवर कितना चाहिए और असेट कितना चाहिए, अपने इसमें क्या सिनेरियो है, असेट कितना है और टर्नओवर कितना है, अब बताओ कॉम्बिनेशन है या नहीं है। ये फर्स्ट वाला क्या होता है, इधर इट इज कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन नहीं है, आधा आधा थोड़ी होता है, बीच में क्या लिखा है। एग्जैक्टली तो कोई भी कंडीशन अगर टूटा तो कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कोई कंडीशन टूटा क्या, असेट ज्यादा हुआ ना, तो फिर कॉम्बिनेशन सिंपल है। एंड लिखा है क्या, तो एक कंडीशन भी टूटा तो कॉम्बिनेशन है, सिंपल है। और कॉम्बिनेशन है तो अलाउड नहीं है क्या मर्जर, अलाउड है, बट सीसीआई का क्या लेना पड़ेगा, सिंपल है यार। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ, नहीं चलो यही, अभी ये तुम लोग ने बोला ना कि है, बट तुमको पता है ये कंपनी क्या लगती है, बड़ी है छोटी है, और ये कंपनी ठीक है, तुमको लिमिट से समझ में आ रहा है, बराबर है। सो अगर कोई कंपनी ऐसी है ना बच्चा लोग, कौन सी कंपनी पता है, जिसको अक्वायर किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम टारगेट कंपनी, उसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट कंपनी। सो ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को अक्वायर कर रहा है तो बी लिमिटेड क्या है, टारगेट कंपनी। और टारगेट कंपनी का अगर असेट ठीक है लेस देन या इक्वल टू 350 करोड़ है एंड टर्नओवर लेस देन या इक्वल टू 1000 करोड़ है, अब बताओ बी लिमिटेड इसमें फॉल होता है या नहीं होता है, दोनों के बीच में एंड बी लिमिटेड का असेट कितना है, तो लेस देन इक्वल टू 350 में आएगा, 350 से कम है ज्यादा है, और टर्नओवर 1000 से कम है ज्यादा है, तो इन लोग को मिलेगा एग्जेम्पशन। इनको क्या मिलेगा, exemption. कितने साल का, 5 years के लिए, वो लोग कॉम्बिनेशन के एम्बिट में नहीं। रीजन बीइंग, बड़ा कंपनी छोटा कंपनी खरीद रहा है तो उससे ज्यादा कंपटीशन इंपैक्ट नहीं होगा, गॉट द पॉइंट। इसको हम बोलते हैं डी मिनिमिस एग्जेम्पशन। अब पढ़ के देखो, कॉम्बिनेशन है बट टारगेट कंपनी छोटा है तो 5 साल का एग्जेम्पशन, क्लियर। बैठा पक्का, पढ़ के आना, कल पूछूंगी मैं। अच्छा एक बार लिमिट्स याद करो, लिमिट्स याद करो, इंडिया लेवल एंड एंटरप्राइज ग्रुप लेवल, इंडिया प्लस वर्ल्ड वाइड लेग एंड ग्रुप लेवल इंडिया प्लस वर्ल्ड वाइड लेग, ध्यान से। हो गया यार सबको, हो गया ठीक है। अब मुझे बताओ इंडिया लेवल, अब सब मुझे देखोगे इंडिया लेवल पे अगर लिमिट्स देखने हैं तो क्या देखोगे असेट्स के, इंडिया लेवल एंटरप्राइज लेवल, असेट का लिमिट टर्नओवर, और एंटरप्राइज लेवल पे ग्रुप सॉरी एंटरप्राइज में इंडिया प्लस वर्ल्ड वाइड, यूएस डॉलर मोर देन लिखू क्या, मोर देन 1 बिलियन विद इंडिया में कितना, मोर देन 1000 रे, 1000 मुझे 10,000 चुना इंडिया, और वहां पे टर्नओवर का लिमिट मोर देन 3 बिलियन और 1000 का इंटू 3 मोर देन 3000 करोड़ इन इंडिया, बराबर है। ग्रुप लेवल पे इंडिया लेवल, ग्रुप लेवल इंडिया लेवल
असेट मोर देन कैसा 8000 इंटू 4 ना, तो 2 का क्या हो जाएगा 8000 और वहां पे 6 का 12000 समझ में आ रहा है, और वर्ल्ड वाइड लेग में 1 बिलियन का 4 बिलियन 1000 रिमेन सेम, और वहां पे 3 का 12 बिलियन 3000 रिमेन सेम। बराबर, और डी मिनिमस एग्जेम्पशन कब मिलेगा, जब टारगेट कंपनी का कितना असेट है लेस देन और इक्वल टू 350 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 1000, यहाँ पे मोर देन है वहां पे लेस देन है, ध्यान रखना। हाँ समझ में आया पक्का, डी मिनिमस एग्जेम्पशन मतलब छोटा एग्जेम्पशन, क्लियर? ठीक है, ओके, आज के लिए रुक जाते हैं, थैंक यू वेरी मच। Thank you.